आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ डाउनलोड ना हो यहाँ पर फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में पूछा गया सबसे पहले हम देख लें फैमिली है क्या ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मोनोकॉर्ट प्लांट्स को रिप्रेजेंट करने वाली फैमिली है टिपिकल मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स होते हैं ये और इसमें हम देखते हैं कि जनरली हमें हर्ब्स मिलेंगे जिनकी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड होती है या तो वो राइजोम के फॉर्म में होती है कॉम के फॉर्म में होती है या फिर बल्ब के फॉर्म में और ये फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड रहती है इसके अलावा हम देखते हैं अगर इसके फ्लावर की बात करें कि इसमें जो सेपल्स का वर्ल होता है यानी हमारा कैलिक्स और जो पेटल्स का वर्ल होता है यानी करोला ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं फ्यूज्ड होते हैं और एक सेपरेट वर्ल बना देते हैं जिसको हम पेरियंथ बोलते हैं तो अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखें तो हमारे गिवन ऑप्शन में से तीसरा लिलियी फैमिली के फ्लावर्स के लिए ठीक है अगर बारी बारी से इन टर्म्स को देखें बाई सेक्शुअल बायसेक्शुअल से हमारा मतलब होता है हमें पता है कि किसी फ्लावर के अंदर चार वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं सबसे बाहर कलिक्स होता है सेपल्स का वर्ल्ड फिर होता है करोला पेटल्स का और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव वर्ल्ल होते हैं जिसमें से मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है हमारा एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ल होता है गाइनोशियम तो जिस फ्लार के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होंगे मेल और फीमेल उसे हम बाई सेक्शुअल फ्लार कहेंगे और लिलियसी फैमिली में हमें इस तरह के फ्लार मिलते हैं तो ये टर्म इसके लिए सही है फिर हमसे कह रहा है एक्टिनोमॉर्फिक अब एक्टिनोमॉर्फिक से हमारा क्या मतलब होता है कि जो फ्लार होगा उसमें रेडियल टाइप की सिमेट्री होगी मतलब उसके सेंटर से पास करता हुआ कोई भी प्लेन हम ले लें तो उसको हम दो आइडेंटिकल रेडियल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं और लिलियसी फैमिली के फ्लावर्स में हमें इसी तरह की सिमेट्री मिलती है फिर हमें दिया हुआ है पॉली एंड्रस पॉली एंड्रेस से हमारा मतलब है यहाँ पर एंड्रोशियम वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं अब एंड्रोशियम क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होता है तो उसमें स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं छह स्टेम इसके पास होते हैं लेकिन उसमें से तीन आपस में जुड़े हुए होते हैं और तीन अलग से आपस में जुड़े हुए होते हैं तो थ्री प्लस थ्री कंडीशन हमें मिलती है स्टेमन्स की इसके बाद में ओवरी सुपीरियर होता है ये भी करेक्ट बात है और प्लेसेंटेशन एक्साइल होती है प्लेसेंटेशन से हमारा क्या मतलब होता है कि किस तरह से फ्लार के ओवरी के अंदर ओव्यूल्स अरेज है तो हम फैमिली में देखते हैं एक्साइल टाइप की प्लेसेंटेशन इससे हमारा क्या मतलब है कि जो प्लेसेंटा होता है वो बीच की तरफ होता है ओवरी में या इसकी एक्सेस पे होता है एक्साइल होता है और एक ट्राइलॉक्यूलर ओवरी के अंदर मतलब तीन चेम्बर्स वाले ओवरी ओवरी के अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन में कई सारे ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं तो हमारे ऑप्शन थ्री में लिलियसी के सारे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट है तो अपना करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी कि फ्लावर्स लिलियसी में बाई होते हैं एक्टेनोम होते हैं पॉली एंड्रेस होते हैं ओवरी सुपीरियर होता है और प्रेजेंटेशन एक्साइल टाइप की प्रेजेंट होती है क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मीनस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर